हरियाणा के इंटरनेशनल बॉक्सर और भीम अवॉर्डी स्वीटी बूरा शादी के 4 महीने बाद पहली बार रिंग में उतरी और गोल्ड पंच लगा दिया। जॉर्डन में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वीटी ने फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान की बॉक्सर को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। स्वीटी ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में अपना दमखम दिखाया। इससे पहले स्वीटी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुकी है। वहीं एशियन मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। जॉर्डन के अम्मान में उन्होंने ये बड़ा कारनामा अपने नाम किया। 75 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले जीतने के साथ ही उन्होंने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया। लवलीना असम के गोलाघाट जिले के बड़ा मुखिया गांव की रहने वाली हैं। उनकी इस जीत से पूरे गांव में जश्न का माहौल है। लवलीना और स्वीटी के अलावा परवीन हुड्डा ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। जॉर्डन के अम्मान में एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा। 2022 अलोर्डा कप चैंपियन अल्फिया पठान ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। लवलीना 2021 एशियाई चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता रुजमेतोवा सोखीबा को हराकर गोल्ड मेडल जीतने में सफल हुई। बता दें कि स्वीटी बोरा की शादी 7 जुलाई 2022 को रोहतक के दीपक हुड्डा के साथ हुई थी। बॉक्सर की बहन सीवी बोरा ने बताया कि शादी के बाद उनकी बहन स्वीटी की जिंदगी में काफी बदलाव आ गया था, मगर उसने कभी भी खेल को अपने से दूर नहीं किया। शादी से पहले और बाद में प्रैक्टिस लगातार जारी रखी। स्वीटी के पिता महेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी बेटी काफी मेहनत कर रही है। एक बार फिर उनकी बेटी ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।